तो चलिए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने वध किया वो किसी व्यक्ति विशेष का वध नहीं है, वो एक तरह से अधर्म के ऊपर धर्म का, धर्म की जीत है, अधर्म का नाश है। और जैसा हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान अपने तरीके से उस अधर्म का नाश करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं देख रहा हूं, मैं हर साल लवकुश रामलीला में आता हूं और ये पूरा भरा होता है खचखच। आज लेकिन काफी कम लोग हैं, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है। मैं इस मौके पे भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरे देश को इस कोरोना रूपी रावण से मुक्ति मिले। 1.5-2 साल हो गए इस बीमारी को झेलते झेलते, आज हम सब लोग मिलके अगर प्रार्थना करेंगे तो सामूहिक प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना रूपी रावण से हम सबको मुक्ति मिलेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के घर में सब लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों का नाश हो, आप सबके घर में खूब बरकत हो, आप सबके घर में भगवान खूब खुशियां दें। जय श्री राम। इसके पश्चात हमारे बीच में 3 पुतले हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, जो लगभग 150 फुट ऊंचे लवकुश रामलीला कमेटी में बनते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे जैसे हम उनका कद बढ़ा रहे थे बुराई बढ़ रही थी, इस बार हमने इनको मात्र 30 फुट का कर दिया है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले मात्र 30 फुट के हैं और दिल्ली के अंदर जो आपकी हिदायत है पोल्यूशन को देखते हुए, उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए इस बार फायर वर्क्स नहीं रखी है। लेकिन अभी आपके सामने दिल्ली के लाडले मुख्यमंत्री एक तीर चलाएंगे आसुरी शक्तियों के ऊपर और उस तीर के पश्चात इन पुतलों का दहन होगा। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक तीर कमान भाई अशोक जी, पवन जी मिलकर ये तीर कमान माननीय मुख्यमंत्री जी इन आसुरी शक्तियों के ऊपर चलाएंगे। अशोक जी, अंकुश जी, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले एक एक करके उसमें मुखारबिंद की जाए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, एक और करो सर, आज हम आतिशबाजी वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, मेघनाथ के पुतले, फिर उसके बाद कुंभकर्ण का, फिर रावण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूं कि हमारे बीच में हमारे सहयोगी ब्रजेश जी भी हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद उन्हें दे दें आप। साउंड वाले
हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के डीएम आकृति जी हमारे बीच में है। मैं उनसे उत्तर कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र के अंदर आए हैं, आप उनका भी स्वागत कर दें। अभी आपने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन देखा, अब रावण का दहन, रावण के पुतले का दहन का आप अवलोकन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लवकुश कमेटी की तरफ से रामलीला मंचन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की और इस बार बिना पटाखों के रावण का दहन यहां पर किया गया, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।